श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 54। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का बागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर हैं और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।